दोस्तों मैं दुर्गेश जायसवाल। दोस्तों 1 अगस्त से जब से सीटेट का आवेदन प्रारंभ हुआ है तब से सीटेट के अभ्यर्थियों के बीच एक नई नई प्रश्न जन्म ले रहे हैं। फॉर्म फिलअप करते समय, सब्जेक्ट के चयन के समय, भाषा 1 भाषा 2 के लिए, फिर डिप्लोमा भरा जाएगा या डिग्री भरी जाएगी, फिर उसके साथ साथ फिर डिप्लोमा डिग्री के साथ इंस्टीट्यूट अथवा कॉलेज का नाम चूज करना है, उसके बाद उसका पिन कोड, फिर परसेंटेज को लेकर कई दिनों से उधेड़बुन चल रहा है। दोस्तों कल मेरा पिछला वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे दिया था, तो उस वीडियो में भी मैंने जो बताया था उससे मैं पुनः कुछ संशोधन करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सभी की समस्याओं के लिए मैंने कई लोगों से बात किया और उन लोगों से बात करने के बाद मैंने CBSE पे बात की, वहाँ बात नहीं हो पाई, डाइट पे बात किया, 2-3 डाइट पे बात किया और कई लोगों से बात करने के बाद अंतोगत्वा मुझे जो निष्कर्ष मिला मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। फिर मैंने सर्वेश जी से भी बात की इस विषय में और तब मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपको यदि बेहतर लगता तो ठीक है, वरना आप सब अपने लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों सबसे पहले जो सीटेट का आवेदन किया जाएगा तो आप लोग को स्टेट मतलब राज्य भरना है, राज्य के साथ साथ अपना नाम भरना है और नाम के बाद आपको एक कैचा कोड मतलब सिक्योरिटी पिन भरने के बाद एक सेकंड पेज खुल के आएगा, उसमें माता का नाम पिता का नाम भरने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे ज्यादा समस्या होती है लैंग्वेज को लेकर, तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में कुछ लोग सोच रहे हिंदी हिंदी दोनों भर दिया जाए। दोस्तों मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड मैच नहीं कर सकता, माने लैंग्वेज 1 और 2 दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं लैंग्वेज फर्स्ट भी हिंदी और सेकंड भी हिंदी, तो यह समस्या आपकी सॉल्व हो गई। यहाँ पे अगर आप हिंदी रख रहे हैं, दूसरे में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, जो आपको 20 भाषाओं में से जो समझ में आती है वो दोनों रख सकते हैं, माने दोनों भाषाएं अलग अलग होंगी। उसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वो आता है कि आप 1 से लेके 5 तक भरना चाह रहे हैं, 6 से लेके 8 तक। दोस्तों यदि आप 1 से लेके 5 तक भरना चाह रहे हैं, BTC प्रशिक्षु हैं, तो आपको जो नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको 5 का चयन करना है। और दोस्तों यदि आप 6 से 8 के लिए भर रहे हैं तो आपका जो अगर BTC प्रशिक्षु हैं तो आपको 1 से लेके 7 तक जो आते हैं उसमें आपको 7 नंबर चयन करना है। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रोसेस होता है, अगले प्रोसेस में आपको एक आता है, अगर आप जूनियर के लिए भरना चाहते हैं 6 से 8 के लिए, तो वहां पे आता है BSc किए हैं तो आप साइंस फैकल्टी मतलब मैथ और साइंस को चूज करेंगे, और यदि आर्ट से आए हैं या BCom किए हैं तो आप सोशल साइंस भरेंगे। दोस्तों अगर आप गलती करते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए जो 6 से 8 के लिए आवेदन करेंगे वह यह देखेंगे उनका ग्रेजुएशन में स्ट्रीम क्या था। यदि उनका ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम था वह आर्ट है तो सोशल साइंस भरेंगे, अन्यथा मैथ अब्लिक साइंस वो भर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला जो चरण आता है डिप्लोमा अथवा डिग्री, तो मैं बताना चाहूंगा जो BTC प्रशिक्षु है वह डिप्लोमा है, और उसके बाद डिप्लोमा के साथ उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है या किस इंस्टीट्यूट से है या किस प्रदेश से है, प्रदेश डिप्लोमा प्रदेश, फिर आपको पुनः अगला जो डालना है वह किस इंस्टीट्यूट से है, यदि किसी प्राइवेट संस्थान से है उसका नाम पूरा डालना है, फिर उसका आपको पिन कोड डालना है वह इंस्टीट्यूट जहां पे है। उसके बाद जो अगला कॉलम आता है वह है आपका परसेंटेज का। दोस्तों तो BTC 15 बैच जो प्रशिक्षु अभी अपेयरिंग में है वह तो कुछ लोग का कहना है कि वह फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों जोड़कर उसका परसेंटेज भर सकते हैं, किंतु दोस्तों अभी तक मैंने पूरा रिकॉर्ड खंगाला तो ये बात समझ में आया, जब रिजल्ट आपका नहीं आया रहता तो उसमें NA भरा जाता है, माने नॉट अप्लीकेबल, माने वह NA भर देंगे क्योंकि अभी आपका रिजल्ट पूरी तरह से घोषित नहीं हुआ है और हम आप अपेयरिंग में है, इस प्रकार वहां पे NA लिखकर भरा जाएगा। ऐसे आप लोग स्वतंत्र हैं कि आप कुछ लोग संशय की स्थिति न रहे, बार बार लोगों को फोन करके न परेशान करें, जैसे सर्वेश जी को या राजवसु जी को, क्योंकि जो मैंने बताया फैक्ट बताया, जो भी जैसे BTC 15 बैच की जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो अगर मार्कशीट नहीं आती थी तो जो वहां पे मार्कशीट नंबर होता था वो हम लोग NA लिखते थे, ठीक, क्योंकि अपेयरिंग में मैंने डायट पे भी राय लिया, कई जगह मैंने राय लिया तो उन्होंने यह बताया कि जब अपेयरिंग में फॉर्म भरे जाते हैं तो वहां पे परसेंटेज की जगह NA हम लिख सकते हैं, अगर आप परसेंटेज भी लिखते हैं तो भी सही है, NA भी लिखते हैं तो भी सही है, इसलिए दोनों चीजें सही है, अब आपके ऊपर है आप क्या करते हैं, ठीक। और दोस्तों जो अगला चरण आता है तो आप सब अपेयरिंग में भरेंगे क्योंकि BTC अपेयरिंग में है और यही सबसे ज्यादा समस्या थी। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो शायद महत्वपूर्ण है, अगर आप BTC प्रशिक्षु हैं तो 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक दोनों का भरिएगा, इससे आपको फायदा होगा। पहला फायदा यह होगा कि अगर एक साथ भरेंगे तो आपको एक ही सेंटर मिलेगा जहां पे प्राइमरी का और जूनियर का दोनों का आपका एग्जाम होगा। दूसरी चीज आपके साथ ये होंगी क्योंकि जो प्राइमरी का है वो सेकंड मीटिंग में है और सेकंड शिफ्ट में है और जो जूनियर का है वो फर्स्ट शिफ्ट में, हो सकता है हम आप परीक्षा देने जाए जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाए, इसलिए अगर हम लोग सुबह एग्जाम दे लेंगे
तो समस्या यह रहेगी, अपनी गलतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं 2 घंटे में, उसके बाद जब पुनः एग्जाम देंगे शायद हमसे वो गलतियां ना हो। इसलिए अगर आप चाहें, यदि आपको मेरी राय बेहतर लगे तो आप दोनों भर सकते हैं, वैसे आप स्वतंत्र है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप सभी दोनों भरे और एक साथ भरे, क्योंकि उसका एक और फायदा है जो मैं कुछ दिन बाद आपको खुद पता चल जाएगा। और दोस्तों फॉर्म एक साथ अगर भरेंगे तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं तो सेंटर आपको चेंज मिल सकते हैं, नहीं तो एक ही जगह सेंटर मिलेगा। और मैं आप सभी को सीटेट के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल निरंजन दुर्गेश में, और मैं आप सभी को 15 तारीख से अपने वेबसाइट durgeshsir.com में BTC 4 सेमेस्टर, BTC 2nd सेमेस्टर तथा CTET के प्रत्येक नोट्स जितना मेरे पास हो सकता है मैं पूरा कंप्लीट नोट्स डेली करके फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप सभी का CTET के साथ साथ CTET के में उत्तीर्ण करें और भविष्य के भावी अध्यापक बने, क्योंकि हम भी आपके भावी अध्यापक होने के लिए हम आश्वर से कामना करते हैं, आपका भविष्य उज्जवल रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। और ब्रिटिश संघ प्रशिक्षण मोर्चा 2015 का जो फेसबुक पेज है वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मैं मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आपको मेरी वेबसाइट ई लर्निंग विद दुर्गेश, मेरा फेसबुक पेज भी है ई लर्निंग विद दुर्गेश, और साथ ही साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश आपके यूट्यूब चैनल पे भी मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग जल्दी ज्यादा विजिट करें हमारे इसको, और जल्दी ही मैं रेगुलर वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं उसी के नाते मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और सबसे बेहतर कराऊंगा, क्योंकि जो मेरा खुद का मैथ और सोशल पे मेरे हिसाब से बेहतर कमांड है, जो मैं आपको बेहतर पढ़ा सकता हूँ, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग और ट्वीट भी करते रहिए, लगातार ट्वीट करते रहिए, तथा जो सर्वे जी द्वारा आपको एक पत्र भेजने के लिए कहा गया था उसे भी पोस्ट कर दीजिए, तथा मेल करते रहिए, जो भी निर्देश दिया जाए उसे भी आप अच्छी तरह से पालन करते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। यदि कोई समस्या होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे जितने भी वीडियोज हैं उसे प्रत्येक प्रचुर तक शेयर करिए और पहुंचाइए, ताकि ये एकता लगातार बनी रहे, और क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। आज NCT झुक गई, उसमें सभी प्रशिक्षुओं के साथ साथ मैं स्वयं प्रशिक्षु मोर्चा के सभी कार्यकारिणी सदस्य एवं RTCL प्रभारी राजबसु जी को और सरद प्रताप अध्यक्ष जी के जन्मदिन जो बीत चुके उनकी भी बधाई भी देना चाहता हूं, साथ ही साथ उनके मेहनत की मैं सराहना करना चाहता हूं। बाकी प्रत्येक जिला अध्यक्ष एवं प्रवक्ता जी जो थे आपके प्रदेश प्रवक्ता, उन सभी ने लगातार मेहनत किया, उसका परिणाम हमें मिला, यह मेहनत और आगे जारी रखनी है, ताकि यह परिणाम हम रिजल्ट में परिवर्तित कर सके। और आप सब लगातार हमारे साथ रहिए, मैं आपको ज्यादा वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, अगर ऐसा नहीं किया तो आप दबा दीजिए और प्रयास कीजिए यह वीडियो प्रत्येक प्रतिशत जाए और सभी लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, ताकि यह वीडियो मेरा यूट्यूब सबसे ऊपर कर दे, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा वीडियो ला सकूं और मैं फैक्ट न्यूज आपको दे सकूं। और आप सभी फॉर्म भरिएगा और आप मेहनत से पढ़िए, और किताबों के लिए जो है मैं अगला बना के दूंगा। मैं दुर्गेश जायसवाल आपके उज्जवल भविष्य का पुनः कामना करता हूं। CTET के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।